सो वेलकम बैक फ्रेंड, मैं फैसल सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल फैसल में। तो दोस्तों, आप सभी तो सॉन्ग का इस्तेमाल करते होंगे, अगर आप वीडियो सॉन्ग देखना चाहते होंगे तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते होंगे, और अगर आप ऑडियो सॉन्ग सुनना चाहते होंगे तो आप कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे कि जियो सावन और गाना एप्लीकेशन का आप यूज करते होंगे ऑनलाइन अगर आप गाना सुनना चाहते होंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जरूरत नहीं है, आप कोई से भी गाना आप अपने प्ले स्टोर से बजा पाएंगे। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्ले स्टोर से कैसे? जी हाँ फ्रेंड, आपने सही सुना, आप अपने प्ले स्टोर से ही कोई सा भी गाना आप सुन सकते हैं। इस ट्रिक को आप कैसे कर सकते हैं और आप अपने प्ले स्टोर से गाना कैसे सुन सकते हैं, तो बन रही है हमारे साथ पूरे इन डी टॉक। आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं है जिससे मैं अपना गाना सुन सकता हूँ। मेरे पास कोई भी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरे पास गाना एप्लीकेशन भी नहीं है कि मैं यहाँ से इसको जो प्ले स्टोर से प्ले करने वाला हूँ, कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर सर्च बार पर चले जाना है। सर्च बार पर जाने के बाद आपको वहाँ पर सर्च करना है गाना ऐप। गाना ऐप जैसे ही आप सर्च करेंगे, गाना ऐप सर्च करने के बाद जो सबसे पहले नंबर पर एप्लीकेशन मिलेगा आपको उसको सेलेक्ट कर लेना, गाना एप्लीकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फिर आपको यहाँ से, अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक साइड में ऑप्शन मिल रहा है ट्राई नाउ का, आप जैसे ट्राई नाउ पर अगर आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट कर लेना। थोड़ा सा वेट करने के बाद जो आपका गाना एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी नहीं किया और आपका ये जो गाना एप्लीकेशन है यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर अगर जो भी आप गाना प्ले करना चाहें तो वो आप यहाँ से गाना सेलेक्ट कर आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक गाना सेलेक्ट कर लेता हूँ, सर्च करने के बाद मैं यहाँ से इसको प्ले कर देता हूँ। प्ले करने के बाद आप यहाँ पर फ्रेंड देख पा रहे होंगे हमारा जो गाना है वो बज रहा है। और फिर उसके बाद मैं अगर इसको होम बटन पर भी आ जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या यह बैकग्राउंड में चल रहा है, तो मैं यहाँ से अपने होम स्क्रीन पर आ गया हूँ और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो गाना है वो बज रहा है और वो प्ले भी हो रहा है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से अपना जो भी ब्राउजिंग है वो आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी से चैट भी कर रहे हैं तो आप गाना का इस्तेमाल करते हैं, सॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं, सुनते सुनते आप कोई से भी ब्राउजिंग करना चाहते हैं और आप कोई से भी चैट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस ट्रिक को आप अप्लाई कर बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए ही आप कोई से भी गाना आप यहां से बजा सकते हैं प्ले स्टोर से। तो आई होप फ्रेंड ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा और ये जो ट्रिक है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।